श्योपुर में नदी में दोस्तों के साथ नहाने उतरे एक 10 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया और उससे निगलने की घटना को अंजाम दिया। मगर ने बच्चे को जबड़े में फंसाकर उठाने के बाद बच्चे के दोस्तों ने उसे देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया। नदी के आसपास मवेशी चराने वाले लोगों ने जाल को डाल मगरमच्छ को नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन जब तक मगरमच्छ मासूम को अपना निवाला बनाकर निगल चुका था। घटना रघुनाथपुर थाने के रिझेटा गांव की है और बताया जा रहा है कि रिझेटा गांव का 10 साल का मासूम अतर सिंह केवट अपने दोस्तों के साथ में नदी में नहाने गया हुआ था, तभी अचानक नदी में मगरमच्छ ने मासूम पर हमला बोल दिया और उसे जबड़े में फंसाकर नदी में जाने लगा। मासूम के दोस्तों के चीख पुकार मचाने के बाद नदी के किनारे खड़े लोगों ने मासूम को बचाने की कोशिश करते हुए मगर पर जाल फेंक कर उसे पकड़ लिया और मगर के पेट से बच्चे को जिंदा निकालने की उम्मीद पर ग्रामीणों ने मगरमच्छ पर काबू करते हुए उसे रस्सियों से बांधते हुए मगरमच्छ पर काबू कर लिया और विशाल काय मगरमच्छ के दोनों पैरों को बांधकर मगर के मुंह में लकड़ी फंसा दी और बच्चा बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद में मगरमच्छ के पेट से निकालने के लिए बच्चे को ग्रामीणों ने घंटों तक तमाम कोशिशें की, लेकिन मगर के पेट से बच्चा बाहर नहीं निकला। और घटना की जानकारी मिलते ही रघुनाथपुर थाने की पुलिस और घड़ियाल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों द्वारा बंधक बनाकर रखे हुए मगरमच्छ को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ग्रामीण मगर के पेड़ से बच्चा निकाले बिना उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। काफी देर के बाद में ग्रामीणों से घड़ियाल विभाग की टीम ने मगर को छुड़वाया और मगर को बहुत दूर नदी से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दिया गया। मासूम को मगरमच्छ द्वारा निगले जाने की घटना के बाद रिझेटा गांव में मातम पसरा हुआ है।